छोटा भाई खुश चौधरी लिया है थारे खातर एक गनी कसूती चीज। एक गीत बहुत पुराना मैंने सुना था, ये विकास हो रहा या हो रहा विनाश है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, अरे तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, सारे काम अपने आप होने लग रहे हैं। इसके अलावा सब नबीरा है। AI बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके बहुत कम समय में ऐसे बुरे बुरे परिणाम सब देखने मिलेंगे। अब हम देख कर दंग रह दोगे, अभी मारे गला वो क्यों कर गया और हो के गया। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दिखाना चाह रहा हूं। आपने स्क्रीन पर यो एकदम सा यो जुगाड़ सा दिख रहा होगा, वैसे तो उसने गिम्बल कह दिख रहा है, लेकिन इस साधारण से दिखने वाली चीज की अद्भुत कला आपने अद्भुत दिखेगी, लेकिन ये कितना विनाश कर देगी अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों ने बिरला लगेगा। देखो इसके ऊपर मैंने सेंसर के साथ अपना चेहरा फिट कर दिया है। आप न्यू देखोगे अब जैसे जैसे मैं अपना चेहरा साइड लेफ्ट या राइट करूंगा, यू वैसे वैसे मूव करेगा। मैं अपने चेहरे लगाने की कोशिश करूंगा, आंखें बंद करने की कोशिश करूंगा, ऊपर नीचे बैठने की कोशिश करूंगा, लेकिन यू कैमरा यो जो गिम्बल है ये उसी तरीके से मूव करेगा। अब ये देखो मैं जा रहा हूं खड़े होके लेफ्ट की साइड, मैं जा रहा हूं खड़े होके राइट की साइड, और ईब मैं बैठूंगा नीचे और ये नीचे मूव करेगा, आ जाओ भाई, और ईब ऊपर मूव करेगा। जब मैं स्पीड में भी जाना चाहूं मैं स्पीड में भी चले गया, बिल्कुल स्पीड में चले गया, और ईब मैं कोशिश करूंगा आग बंद करके जाने, मैंने कर लिया अपनी आग बंद और मैं देखता हूं ये मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, उतरी इसने मूव करा। ईब मैं अपना चेहरा लगाने की कोशिश करूंगा, अब देखते हैं कि ये फिर भी मूव करेगा कि नहीं करेगा। मैंने लगो लिया है, इसने फिर भी मूव करा। आपने इसकी ये जबरदस्त खासियत कैसी लगी कमेंट में बता दियो। इसका दुष्परिणाम और इसके बहुत बूंदे बूंदे परिणाम और आने वाला विनाश क्यों करो होगा, मैं डॉक्टर साहब ने इनवाइट करना चाहूंगा, वह बताओगे। अब यू सोदा हमारे लिए जानलेवा कैसे हो सकता है और हमारा नाश क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठो जी, करते हैं। यो सोदा है तो गजब का डॉक्टर साहब, और मन तो लग गया है सूत्रा, और देखने वाला मेरे बढ़िया लग गया है, आपको जानेगा नाश करेगा। आप एक चीज समझो, ये तो थोड़े से पैसे का आया हुआ सामान है जी, जिसको पत्रकार लोग इस्तेमाल करते हैं कई बार, जैसे सामने नेताजी हैं तो इसका ये सेल्फी स्टिक से ऊंची करी और वो जिधर मर्जी जाते रहे वो उसको नेताजी को ये फॉलो करता रहे जी। लेकिन आप ये ट्रैकिंग की जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल इन्हीं के जो जिस कंपनी का ये है इसी कंपनी के ड्रोन्स भी आए हुए हैं, उसमें दिखाया गया एक पूरा वीडियो है इसके अंदर ड्रोन का, और उसके अंदर वो किसी आदमी को अगर प्लेस कर देता है, ट्रैक फिक्स कर देता है, तो वो आदमी जहां भी जाएगा, मतलब अगर वो किसी रास्ते से जा रहा है, जंगल से जा रहा है और पेड़ बहुत घने हैं, तो वो नीचे से उसको आदमी को ट्रैक कर रहा है, वो मतलब जितनी दूर भी जाएगा वो ट्रैक ऑटोमेटिक करता रहे जी। वो इस ट्रैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है बकायदा दुश्मनों को मारने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल सरकार को मैं बुरा लग गया तो सरकार मेरे को एक ट्रैकिंग मशीन चालू कर देगी, तो वो ट्रैकिंग मशीन 24 घंटे मुझे ट्रैक करती रहेगी, उसकी जो लाइट है उसका जो वो है बैटरी जो पावर है वो सनलाइट से ही चार्ज होती रहेगी, तो मैं जहां भी जाऊंगा, और वो मक्खी के साइज की है वो ऑलरेडी आ चुकी है, एक 3 ग्राम का एक वेपन है इसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि वो अगर आप उसको थ्रो कर देते हो तो वो उस पर्टिकुलर चेहरे को स्कैन करके वो सीधा निशाने पर ही लगता है। ये ट्रैकिंग टेक्निक की सबसे बड़ी खतरनाक चीजें हैं, जिसको आजकल सरकारें कह रही हैं कि अपना आधार कार्ड अपडेट कराओ, वो आपका फेशियल रिकॉग्निशन को अपडेट कराने की बात कर रहे हैं, आपका पूरा चेहरा उन्होंने वो ट्रैक करना है, क्योंकि फिर जो कैमरे लग रहे हैं 24 घंटे ये जो आपके चौराहों पर और ये इसके जरिए वो सब चलने की योजना चलाने की योजना बना रहे हैं। और अभी आप ये एक छोटी सी वीडियो है जो 3 ग्राम के वाली, आप इसको देखें। अब आपने ये देखा कि इस वीडियो के अंदर आपने क्या देखा कि वो जो मतलब आप सिर्फ थ्रो किया और उसने उस चेहरे को मतलब बढ़ा और सीधा ट्रैक करके उसको चालू कर दिया, मतलब मार दिया उसको। ये किसी व्यक्ति को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी या अच्छी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुरा या अच्छा होता है जी। और मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिछले कुछ समय से आपने देख ही लिया होगा, 24 घंटे व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है, आपकी जो इनकम है उसको ट्रैक किया जा रहा है, आपकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, आपकी बातों को ट्रैक किया जा रहा है,
आपके बिजनेस को ट्रैक किया जा रहा है, आपके जीवन को ही ट्रैक किया जा रहा है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि डेटा इज द न्यू फ्यूल। आपके पास आपका डेटा अगर उनके पास है तो वो आपको जब मर्जी जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मर्जी मार सकते हैं। मक्खी के साइज के और मच्छर के साइज के भी ड्रोन आ चुके हैं जो कि पिन पॉइंट, अभी जो 5G की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन लोगों ने करना है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई आपको कोई वो रखना है, कोई पार्सल रखना है, तो एग्जैक्ट आपके दरवाजे पर आकर रखा जाएगा भोजन के लिए। इतनी चीजें जियो ट्रैकिंग हो रही है, तो ये सारा का सारा इसी ट्रैकिंग टेक्निक के जरिए है कि वहां दूर बैठा आदमी अपने आप उसको मॉनिटर करता रहेगा और वहां से भेज देगा। और मुझे लगता है कि व्यक्ति का काम खत्म करके मशीनों को पावर देना ये कहीं भी मानवता के पक्ष में नहीं है। हाँ, आपका काम आसान करने के लिए मशीनें होती थी, लेकिन आपको निकम्मा बनाने के लिए मशीनें नहीं होनी चाहिए। सारा काम अगर मशीनें कर रही हैं तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, तो आप मानवता की लड़ाई लड़ना भी बंद कर दोगे। आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख पाओगे, आप अपना बॉडी को भी ठीक नहीं रख पाओगे। और ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक है। डॉक्टर साहब, आपने कुछ देर पहले ट्रैकिंग की बात की, तो जैसे हमारे खाते की ट्रैकिंग हो रही है, हमारे बिजनेस की ट्रैकिंग हो रही है, हमारी फेस रिकॉग्निशन होता है, हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, ये तो अच्छा है ना, हमारी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए सरकार कर रही है, ताकि कोई गलत करता हुआ पकड़ा जाए। तो देखिए, ये हमेशा से होता आया है। जब आपको बैंकों के अंदर जब इन्होंने खाता खुलवाने के लिए फोर्स करना था, तो इन्होंने आपके गांव में चोरियां करवाई, आपके घरों में पाड़ लगवाए, पाड़ लगे मिलते थे, तो प्रचारित किया कि तुम लोग जो है खाते खुलवाओ बैंकों में, जिनके पास पैसा था उन्होंने खुलवा लिया। फिर सोने चांदी के गहनों के चोरियां होने लगी, कुछ लोगों कान बालियां तोड़ देते थे, फिर कहा कि इनको ना आप लॉकर में रखना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सैलरी लेके आते थे लोग बाग अपने अपने एम्प्लॉयज की, उनको रास्ते में लूटना शुरू किया। और आपको एक बात बता देता हूँ, अपराध बिना सरकार की परमिशन के नहीं होते हैं, बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं होते हैं। सरकार चाहती है अपराध हो, इसीलिए उनके मामले लंबित रहते हैं। सरकार चाहती है अपराध हो, इसीलिए अपराधियों का संरक्षण इस तरीके से किया जाता है कि एक पार्टी एक तरह के अपराधियों को संरक्षण देती है और दूसरी पार्टी दूसरे तरह के। अपराधियों को अगर खत्म करना हो तो बहुत आसान है, अपराध को खत्म करना हो महीने भीतर हर केस की जो है वो सजा या बरी हो जाए, जो सच है उसका सामने आए पब्लिक के और महीने भीतर उसकी सजा। बिल्कुल, जूरी कोर्ट का एक एग्जांपल है, पहले भी देखें कि जिसको सरकार ने सेट करना हो ना, हाँ, दो दिन नहीं लगा उसके लिए कुछ भी नहीं। और कितना सारे मामले ऐसे हैं जो लटके पड़े रहते हैं, मतलब 20-20 साल, 25-25 साल। वो राठौर वाला केस था लड़की का, यौन उत्पीड़न का क्लेम था, जब वो देखा आपने 14 साल चला था, 14 साल के बाद राठौर को सजा मिली। तो 14 साल अगर न्याय मिलेगा तो न्याय होता ही नहीं है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरा ये मानना रहता है कि सरकारों की मिलीभगत से ही अन्याय होते हैं, उनकी मिलीभगत से ही अपराध होते हैं। तो चोरी सबसे सेफ, मैं जब जेल में गया, कई बार जाने का मौका मिला मुझे, तो जेल में चोर भी मिलते हैं, तो चोरों ने हमको बताया कि चोरी सबसे सेफ क्राइम है। इसमें तब तक आपको सजा नहीं होगी जब तक आपका माल बरामद नहीं हो जाएगा सबूत के तौर पर, और माल बरामद ना हो इसमें पुलिस वाले ही मदद करते हैं कि अगर 50 लाख का माल है या 2 लाख का माल है तो 50-50 कर लो, या 20-80, उनका रेट फिक्स होता है, हर थाने का अपना रेट फिक्स है, 30-70 या जैसे भी जो भी जिसका है, जो लोग करप्ट है वो लोग तो फिक्स रखते हैं, तो वो लोग इस हिसाब से चोरियां करवाते हैं। और चोरियां सरकार में एक नया कॉन्सेप्ट पैदा करने के लिए ही होती है। इसी तरह से अपराध जो हो रहे हैं ये भी सरकार की शह में हो रहे हैं। इसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि सीसीटीवी कैमरा की मदद से अपराधी को पकड़ लिया गया, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि उसको उसी टाइम सजा मिल गई। सजा नहीं मिलेगी उसको, केस चलेगा लंबा, तब तक जिनको वो भूल जाएंगे, तो प्रताड़ित लोग हैं, केवल उन्हीं को याद रहता है कि हमारा केस चल रहा है, अदरवाइज तो जनता को तो पता भी नहीं है कि किसका केस कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल केवल इसलिए होना है, ना कि आपकी सुरक्षा के लिए, तो होना ही नहीं है। दूसरी बात, हमारे बुजुर्गों को हमारा नेचुरल सीसीटीवी कैमरा बोला जाता है। जब आप काम कर रहे हो और काम करने के लिए घरों से बाहर रहते हो तो समाज में चहल पहल रहती है, तो क्राइम वैसे ही नहीं रहता है। आप उनको घरों में कैद कर दोगे, यार घरों में कैद करना मतलब आप रोशनी और हवा से भी वंचित रख दोगे, तो बीमार पड़ेंगे वो। काम करने के लिए, शरीर का काम करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे तो क्राइम कहां से हो जाएगा।
और बुजुर्गों की अगर आप लोग सेवा पानी बढ़िया से कर दो तो वो तो हमारे नेचुरल सीसीटीवी कैमराज हैं, वो तो सबका पता रखते हैं किसकी बेटी कहाँ ब्याह रखी है, किसका क्या सीन है। तो पूरा सामाजिक ताना बाना हमारा इतना शानदार है और हम मशीनों को काम दे करके इंसानों को निठल्ला बिठाने का कौन सा लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आता। उन लोगों को कहाँ बिठा करके रखोगे जो हर साल पैदावार हो रही है उसका क्या करोगे, जो आपका सोना जस्ट ये सब निकल रहा है इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। तो उसका इस्तेमाल इन लोगों को सैलरी देने के लिए करेंगे अगर, तो वो सैलरी दोबारा से ही टैक्स के रूप में सरकारों को मिलती रहती है। अभी आप कितना कमाल का देखिए, मैंने कमाया मान लो 1000 रुपया और मैं टैक्स की स्लैब में हूँ तो मुझे 30% उसके ऊपर टैक्स दिया। उसके बाद मैंने वो 1000 रुपया कमाकर खर्चा किया, मैंने आपको आपको दे दिया आपकी सर्विस के लिए, तो आप भी टैक्स भर रहे हो तो 30% आपने दे दिया उसमें से, उनको भी दिया उसमें से 30%, यानी मेरे पास 30 30 30 मेरा तो 1000 रुपया 3-4 लोगों के पास जाता ही खत्म हो गया ना सिंपली। बिल्कुल, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो किसके पास गया, सरकार के पास गया। तो सरकार टैक्स के माध्यम से हमारे पैसे को वापस लेती रहती है। आमतौर पे एक व्यक्ति जितना भी कमाता है लगभग 70% वो अपना टैक्स के रूप में वापस सरकार को दे देता है। तो सरकारें उसको फिर से अगले एम्प्लॉइज को उसके लिए यूज कर सकती है, तो हमारे लोगों को भाई रोजगार मिलेगा ना बाकायदा। और फिर दूसरी बात यह कि ये टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है दोस्त, सीसीटीवी कैमरा की फीडिंग जो हेडक्वार्टर में जा रही है वहां तो जा ही रही है, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां जा रही है। अभी अगर आपका फोन एप्पल का है तो उसको जा रही है, स्टीव जॉब्स की फैमिली को जा रही है, एप्पल को जा रही है। अगर आपका फोन माइक्रोसॉफ्ट का है या एंड्रॉइड का है तो बिल गेट्स को जा रही है, बिल गेट्स उसका सारी का इस्तेमाल कर रहा है भाई साहब। और वो तो ऐसा है जो 70% जमीन अमेरिका के काबू कर ही चुका है, 3.25 लाख एकड़ का जमीन का एग्रीकल्चर लैंड का अकेला मालिक है और उसकी नजर भारत की जमीनों पर है। तो हमारे नौजवानों को नशे की गलत में धकेलना और अपराध के लिए तैयारियां करना और ये सारा का सारा गेम प्लान इसी का है। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हरियाणा और भारत सरकार के, उनमें एक 15-15 दिन की ट्रेनिंग सेशन शुरू हुए हैं ड्रोन चलाने के। वो एग्रीकल्चर से जोड़ के कैसे देखते हो? देखो ड्रोन का जो पर्पस है ना, बेसिकली ड्रोन का एकमात्र पर्पस है कि आपके खेतों की जियो टैगिंग करना, वो डेटा उसको वहां तक लेकर जाना है। ड्रोन के माध्यम से फिलहाल जब तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तब तक वो आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको यकीन दिला रहे हैं कि ये काम आपके लिए हो रहा है। जिस प्रकार से जब खेतों में पहली बार पेस्टिसाइड डालने की बारी आई, हाइब्रिड बीज डालने की बारी आई, तो कंपनियों ने आपको फ्री में सब कुछ दिया, बल्कि लोगों को ये कहा थोड़े से हिस्से में आप वो कर देख लो, देखो कितना फर्क नजर आता है। अब वो अचानक से आपको प्रोटीन के पाउडर मिलने लग जाए तो आपके शरीर फूलेगा ना, बार बार मिलते रहेंगे, बार बार आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। जैसे नशे की डिमांड बढ़ती है वैसे ही खेत में इसकी पेस्टिसाइड की डिमांड बढ़ेगी और एक टाइम पे नशेड़ी शरीर की तरह जमीन हो जाएगी। और आज वो हो चुकी है, आज उसको ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए और उसका नहीं भर रहा है। तो ये काम शुरू में ऐसे ही हुआ था और इसी तरह ड्रोन का जो काम है, ड्रोन्स की मदद से वो आपके जमीन के पैटर्न को, आपके फसल चक्र के पैटर्न को, आपके काम करने के पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और वो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सरकारी तंत्र का और अमीर लोगों का। क्योंकि जो हर आदमी है वो कॉपी करता है अमीर को, इसीलिए जो भी चीज उनको लोगों के बीच में फेमस करनी होती है या उनके बीच में स्वीकार्यता लानी होती है तो पहले वो अमीरों को देते हैं, चाहे IVF हो, चाहे मतलब आपका जितने भी मशीन हो, चाहे रोबोटिक यूज घर में काम करने के लिए रोबोट्स हो, चाहे गाड़ियों का चलन हो, चाहे महंगे मोबाइलों का चलन हो, चाहे ब्रांडेड कपड़ों का चलन हो, चाहे दारू पीने का स्टाइल हो। अभी वो अगर 1 लाख की बोतल पीता है तो उसका मैनेजर जो है वो 20,000 की पी लेगा, उसके घर में ड्राइवर है वो 2,000 की पी लेगा अमीर के घर का, और फिर हमारे वाला ड्राइवर वो 18 लेके पिएगा, लेकिन वो नकल उसी की कर रहा है अमीर की। तो इसलिए वो राजाओं को ऐसे दिखाया जाता है ऐश परस्ती करते हुए, लड़कीबाजी करते हुए, ठुमके लगाते हुए उसके सामने डांस, तो फिर हमारे वाले अमीर जो नए नए अमीर बनते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो ड्रोन की कनेक्टिविटी, तो ड्रोन का जो काम है वो बेसिकली अभी फिलहाल आपको ये एहसास कराने के लिए है कि ये ड्रोन बहुत आपके फायदे में है। दूसरा आपकी जमीन का जियो टैगिंग करने के लिए है, अभी आपकी जमीनों का पूरा माप उनके पास जब चला जाएगा और कहां कहां ड्रोन कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बाद पूरी की पूरी जमीन को ऑटोमेटिक तरीके से ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स और ड्राइवरलेस मशीनों की मदद से ही जोता जाएगा। और वो ड्राइवरलेस जब आपको खेत में काम करने के लिए मालिक देने चाहिए, मालिक की तो स्वीकारता नहीं चाहिए ना PPP मॉडल के अंदर, आपकी जमीन अगर उन्होंने एक्वायर करनी है एक्वायर के लिए, आपकी जमीन हथियाने के लिए भी आपको परमिशन नहीं चाहिए, आपको खेत में काम करने के लिए भी आपकी जरूरत नहीं है, मजदूरों की भी जरूरत नहीं है, तो फिर आपको किस चीज की जरूरत है?
केवल ड्रोन चलाने वाले लोगों की जरूरत है, तो आपको ये दिखाया जाएगा कि आप मशीनों की वजह से नहीं अपने निकम्मेपन की वजह से बेरोजगार हुए। अगर आपने वो चीजें सीख ली होती तो आप बेरोजगार नहीं होते, क्योंकि फलानी जगह पे तो इस फलाने टॉपिक पर रोजगार मिला ही हुआ है। तो मतलब फिलहाल अभी जो ड्रोन्स का ये एविएशन के जो रूल्स हैं वो बदले गए थे ड्रोन्स के आने से पहले, और अभी अडानी जो है वो नोएडा के अंदर ड्रोन्स बनाने की पूरा कंटिन्यूअस फैक्ट्री चालू कर रखा है, उसने रोबोट्स भी बना रहा है वो। गुजरात के अंदर एक ऐसा होटल भी खुल गया है, ऐसा रेस्टोरेंट खुल गया है सूरत में, जहाँ पर बिल लेने से लेकर ऑर्डर लेने से लेकर खाना बनाने तक और परोसने तक का काम रोबोट कर रहे हैं। बिना डॉक्टर के अस्पताल में सारे काम करने का भी प्रोसीजर आ चुका है, और बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने का आ चुका है। यानी आपको आदमी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है किसी भी कार्य के लिए, ऐसा इंतजाम वो लोग कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को आप लोग कैसे देखते हैं ये तो आप जाने, लेकिन मैं इसको इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता हूँ। कुछ भाई मैं भी मान लीजिए जिस तरीके से हमें कुछ दिखाया जाता है मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो उसका तो पॉजिटिव पक्ष दिखाया जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि उसका नेगेटिव पक्ष क्या होता है। मान लीजिए जैसे इसकी मैं बात कर रहा था या ड्रोन की बात कर रहे थे या फिर जो क्लिप हम लोगों ने वीडियो के अंदर दिखाई, हमें तो ये लगता था कि ये मेरा काम आसान कर रहे हैं, ड्रोन हमारा काम आसान कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, हम लोग सस्ते में भी पढ़ रहे हैं तो सस्ते में कर पा रहे हैं, और आसान भी हो रहा है, ईजी भी हो रहा है, जल्दी भी हो रहा है, लेकिन ये कितना विनाश कर सकता है उसका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। आप अभी तो लगा भी नहीं सकते क्योंकि आपने बनाया नहीं है, आप इसके अंदर के सॉफ्टवेयर को नहीं जानते हो और इसके अंदरूनी चीज़ों को आप नहीं जानते हो। आपने तो सीधा अलाउ अलाउ कर करके और आपने सब सारी परमिशंस उसको दे दी हैं, आपके सारे डेटा को वो लोग एल्गोरिदम बना के उसका पूरा का पूरा स्टडी करते हैं, आपको नहीं मालूम है। और किसी भी टेक्नोलॉजी का हम लोगों को नहीं पता है, और आज तक जितनी भी चीज़ें मीडिया ने फायदे बताए हैं आखिर में उसका नुकसान ही साबित हुआ है। और मीडिया का इस्तेमाल अगर लोगों को नहीं मालूम है कैसे होता था, हम लोग तो हमारे पास ये सब नहीं था, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे क्रांतिकारी लोग जो है वो अखबार छापने लग गए, अपने पर्चे छापने लग गए, तो फिर उन्होंने अखबारों के मालिकों को, आज भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक कौन है आप देखोगे, बेनेट एंड वो क्या बोलते हैं उसको, वो पूरा विदेशी है, विदेशी ही है अभी भी जो बढ़िया जो तो कोलमैन बिडेन कौन सा बेनेट एंड कोलमैन है ना। अब वो तो ब्रिटिशर्स हैं बेसिकली, जो बढ़िया टॉप की जो एजेंसीज हैं उनके मालिक आज भी वही लोग हैं। और मीडिया का इस्तेमाल ये केवल ये जानने के लिए करते हैं कि इस देश में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, कहाँ क्या गतिविधियां हो रही हैं, और उसकी मदद से जो आदमी थोड़ा सा चढ़ने लगता है उसको उन्होंने अपने जाल में कैसे फंसाना है, उसको लालच कैसे देना है, उसको डराना कैसे है, और उसके बाद अपने हिसाब से अपने सिस्टम के अंदर कैसे लेकर के आना है। तो टेक्नोलॉजी का कभी भी ये इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए बना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी को बनाने वाला व्यक्ति पहले उससे पैसा कमाता है और फिर उससे मानवता के विनाश का रास्ता तैयार करता है। केवल यही हो रहा है, यही होता आया है, यही होता रहेगा। जब तक आप प्रकृति को नहीं समझोगे, जब तक आप प्रकृति प्रदत्त नियमों के हिसाब से नहीं चलोगे, जब तक आप अपने शरीर से काम नहीं लोगे, जब से आप सूरज हवा पानी जो पांच तत्व जिनसे आकाश और अगर जल इनसे जब आप तक कनेक्टेड नहीं रहोगे तब तक आप खत्म रह जाओगे। इसीलिए इनसे तोड़ने के लिए ही आपको फ्लैटों में रखा जाता है, इनसे तोड़ने के लिए ही आपको देर रात तक के काम दिए जाते हैं, इनसे तोड़ने के लिए ही नशा प्रचारित किया जाता है, इनसे तोड़ने के लिए ही आपको मोबाइल के ऊपर एडिक्शन डाली जाती है, इनसे तोड़ने के लिए ही आपके स्कूलों के टाइमिंग इस हिसाब से, ट्यूशंस के टाइमिंग और बाकी चीजों के टाइमिंग हिसाब से होते हैं कि आप अपने पंच तत्वों से टूटे रहें, आप प्रकृति से टूटे रहें, ताकि